हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मेरी आगे की वीडियो देखते रहें। तो आइए गाइस, आज हम बहुत ही अच्छा टेस्टी स्ट्रीट फूड बनाएंगे। आज हम बनाएंगे राज कचौड़ी। तो देखिए गाइस, राज कचौड़ी घर पर बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो देखिए, हमने राज कचौड़ी बनाने के लिए क्या कर लिया है। सबसे पहले राज कचौड़ी बनाने के लिए हम कचौड़ी का डो लगा के तैयार कर लेते हैं। तो कचौड़ी का डो लगाने के लिए हमने क्या लिया है, ये हमने सूजी ली है, मैदा ली है। देन गाइस, डो लगाने के लिए हमने लिया है पानी, खाने का सोडा, नमक, देन ऑयल। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, जितने भी आप सूजी लें उसका आधा ही आप मैदा लें। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम डो लगा के तैयार कर लेते हैं। गाइस, डो लगा लेते हैं। एक बड़े बाउल में हम सूजी को डालेंगे, देन गाइस अपने मैदा को। तो देखिए गाइस, इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो देखिए गाइस, हम ऐड करेंगे इसमें 1/4 चम्मच नमक। देन गाइस, हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच उससे भी कम खाने का सोडा। देन गाइस, हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल। ताइए गाइस, पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल हम और ऐड कर रहे हैं, हमने टोटल 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करा है। इसके पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। हमें इसका सॉफ्ट डो लगाना है, हार्ड डो नहीं लगाना है। तो गाइस, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो तैयार कर लीजिए। तो देखिए गाइस, हमारा डो लग के एकदम रेडी हो गया है। हमने सॉफ्ट डो लगाया है, हमें बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाना है क्योंकि सूजी भी हमारी फूल के मोटी हो जाएगी। आइए इसे ढक देते हैं, देन इसे 2 घंटे के लिए हम साइड रख देते हैं, फिर अपनी कचौड़ी बनाना शुरू करेंगे। देखिए गाइस, राज कचौड़ी के लिए डो हमारा लग के रेडी हो गया है। आइए इसके अंदर की फिलिंग को हम रेडी कर लेंगे। ये हमने 3 मीडियम साइज़ के बॉयल पटेटो लिए थे, इन्हें हमने काट लिया है छोटे छोटे शेप में। आप चाहे तो कोई भी शेप में काट सकते हैं। आइए इन्हें थोड़ा सा हम भून लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने फ्राई पैन को रख लिया है, गैस हम कर देते हैं ऑन और हम डालेंगे इसमें ऑयल। तो गाइस, इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। बड़े टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो देखिए गाइस, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। देन गाइस, हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून जीरा और इसे हम अच्छे से भुनने देंगे। तो देखिए गाइस, जीरा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम अपने ये पोटैटो ऐड कर देते हैं। देन गाइस, इसे हम चला लेंगे थोड़ा सा। देन गाइस, इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक या स्वाद अनुसार नमक। देन गाइस, हमने 1 टेबल स्पून नमक का यूज़ करा है, इसे हम अच्छे से चला देंगे। तो देखिए गाइस, हमारे राज कचौड़ी की फिलिंग के लिए आलू भून के तो रेडी हो चुके हैं। आइए अपने छोलों को भी हम उबाल लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारे आलू एकदम रेडी हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। आइए इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस, 2 घंटे हो चुके हैं। आइए अपना डो देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा डो कितने अच्छे से रेडी हो गया है। आइए इसकी कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, इस तरीके से आप थोड़ा सा डो लीजिए, देन इसे राउंड शेप में कर लीजिए। तो देखिए गाइस, इससे हल्का सा ऑयल में डिप कीजिए। देन गाइस, हम इसे बेलना शुरू करते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बेलना है, हमें इसे मीडियम साइज का रखना है। हमारी कचौड़ी बेल के एकदम रेडी है। आइए इसे डिप। तो देखिए गाइस, हमारी कचौड़ी कैसे फूल गई है, देखिए कितनी बड़ी बनी है। आइए इसे हम दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारी कचौड़ी दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। आइए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारी कचौड़ी कितनी अच्छे से रेडी हुई है। आइए अपनी बाकी कचौड़ी भी हम ऐसी रेडी कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने अपनी सारी कचौड़ियों को डीप फ्राई कर लिया है, ये कितनी बड़ी और क्रिस्पी बनी है। आइए इन्हें फिल करना शुरू करते हैं।
ये गाइस कचौड़ी को फिल करना शुरू करते हैं। देखिए हमने कचौड़ी की फिलिंग के लिए क्या क्या लिया है। ये हमने भल्ले लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, आपको पसंद है आपके पास अवेलेबल हैं तो आप फिल कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। ये हमने छोले लिए हैं, इन्हें हमें उबाल लिया है, आप छोले की जगह मटरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये आलू हमने भून लिए हैं, ये हमने एक चकुंदर कद्दूकस कर लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, भुजिया, आप चाहे तो कोई और भी नमकीन ले सकते हैं। दही को हमने फैट लिया है, ये हमने चटनी बनाई है, हमने मसाले खट्टी मीठी चटनी बनाई है, ये हमने इमली की नहीं गुड़ की, ये हमने मसाले की चटनी बनाई है, इसकी वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ। ये पुदीने धनिया की हरी चटनी, नमक, अनार को हमने निकाल लिया है, बूंदी, जैन चाट मसाला। तो आइए अपनी कचौड़ी को फिल करना शुरू करते हैं। आइए गाइस कचौड़ी को फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी कचौड़ी को इस तरीके से बीच में से खोल लेंगे। देन गाइस हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू, देन गाइस ऐड करेंगे इसमें अपने छोले, देन गाइस ऐड करेंगे इसमें हम अपना भल्ला, भल्ला थोड़ा सा हम क्रश कर देंगे, देन गाइस इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, देन गाइस डालेंगे इसमें हल्का सा चाट मसाला, देन गाइस इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दही, देन इमली की चटनी, देन गाइस इसमें ऐड करेंगे हम ये हरी चटनी, अब ऊपर से हम थोड़ा सा दही और ऐड करेंगे अच्छे से, देखिए गाइस, देन गाइस इसमें ऐड करेंगे हम मीठी चटनी, देन गाइस ऐड करेंगे हम इसमें हरी चटनी, देन गाइस ऐड करेंगे थोड़ा सा बूंदी, देन गाइस हल्का सा नमक, देन चाट मसाला। सो गाइस ऐड करेंगे थोड़ा सा अनारदाने, सो गाइस ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ चकुंदर, देन गाइस ऐड करेंगे हल्का सा हरा धनिया, ज़्यादा हरा धनिया हम ऐड नहीं करेंगे, देन गाइस ऐड करेंगे हम नमकीन, इसके ऊपर दो तीन चकुंदर के स्लाइसेस और लगा देते हैं। तो देखिए गाइस हमारी राज कचौड़ी बनके एकदम रेडी है। तो देखिए गाइस हमारी राज कचौड़ी बनके एकदम रेडी है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये कैसी लगी।